पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हमें उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश संघ की तरफ से, जो कि मुरादाबाद में रूरल स्पोर्ट्स को लेकर के बच्चों को आगे बढ़ाया है। इससे पहले आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? इससे पहले सर हम और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने देखा ही है पहले भी योगा से जुड़े हैं, खो खो से जुड़े हुए हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए हम रूरल स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में, जिससे बच्चों को वैलिड सर्टिफिकेट मिल सके। इससे पहले भी ये संस्था चल रही है, लेकिन वो केवल कोऑर्डिनेटर के तौर पर चल रही थी। अभी प्रॉपर मान्यता लेकर के हम लोग आए हैं। इससे पहले भी बहुत उन्होंने प्रयास किया है, पर लेकिन वो प्रयास शायद ढंग से हो नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें ये संस्था। आपके साथ कौन कौन है इस संस्था में? सर इस संस्था में जैसे कि आपको बताया कि कोई भी अगर हमें वैलिड संस्था लेनी होती है तो उसके पहले हमें दो व्यक्तियों के नाम देने होते हैं। तो इसमें देवेंद्र राणा जी को सचिव के तौर पे और मैं विपिन जकोदा अध्यक्ष के तौर पे इसको जुड़ा हूँ, और हमने अपने साथ में कोषाध्यक्ष के तौर पे रोहित जी को जोड़ा। अब आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं? आगे भविष्य में सबसे पहली योजना तो हमारी यही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और सभी को बताया जाए कि रूरल स्पोर्ट की मान्यता प्रॉपर वे में हम लोगों ने ले ली है, और अब निकट भविष्य में हम इसकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता पूरा राज्य में करवाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी संस्था वैलिड नहीं है। बिल्कुल सर, मैं भी चाहता हूँ क्या कहते हैं कि इस संस्था के बारे में इसकी जांच की जाए और प्रॉपर में जब सही निकले तभी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में भेजा जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।